नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद सैनी हूँ। मैं जेपी हॉस्पिटल में एज ए स्पाइन सर्जन काम करता हूँ और मैं आज आपको मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, आजकल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज या मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपके अपेंडिक्स के लिए आप जाते हैं, आप लैप्रोस्कोपिक छोटे छोटे चीरे से आप सर्जरी करवाते हैं। सेम वैसे ही गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज भी जो हो रही हैं वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हो रही हैं। उसी तरह स्पाइन सर्जरी भी जो है वो धीरे धीरे ओपन से मिनिमली इन्वेजिव की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। ट्रेडिशनल स्पाइन सर्जरी जो होती हैं वो ओपन तरीके से होती हैं, जिसमें बड़ा चीरा लगता है, आपको मसल्स को बोन हड्डी से सेपरेट करना पड़ता है, जिसमें ब्लड लॉस होता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन रहता है, एक लंबा स्कार दिखाई देगा और हॉस्पिटल लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ पेन। रिहैबिलिटेशन थोड़ा स्लो होता है और पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर्स भी ज़्यादा खाने पड़ते हैं। और स्टडीज़ ने भी ये शो किया है कि अगर आप जब ओपन सर्जरीज करते हैं, जो मसल्स को आप जब काटते हैं साइड में, उनको मसल्स को जब आप हड्डी से सेपरेट करते हैं, तो टाइम के साथ उनमें वीकनेस वो डीजनरेट होते हैं और मसल्स वीक हो जाते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, इन प्रॉब्लम्स के कारण ही अब धीरे धीरे ओपन सर्जरीज के बजाय अब वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज। देखिए, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का फ़ायदा क्या है? छोटा सी स्कार होता है तो आपको पेन कम होगा, ब्लड लॉस कम होगा, मसल में चीड़ फाड़ कम होगी तो आपको अगले दिन से आप खड़े भी हो सकते हैं, चल सकते हैं, रिहैबिलिटेशन फास्ट होता है, मसल डीजनरेशन भी कम होता है और सर्जरी के बाद आपको पेन किलर का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सारे पेशेंट्स में आप मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज नहीं कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज आप करने से पहले आपको पेशेंट को अच्छी तरह एग्जामिन करना पड़ता है, MRI को देखना पड़ता है और इसके स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सारी स्पाइन सर्जरीज मिनिमली इन्वेजिव नहीं हो सकती। अगर आप सिंगल लेवल पे ऑपरेट करना है या फिर केवल एक लेवल पे हल्की सी नस दबी हुई है, मतलब आप अगर आपको लिमिटेड सर्जरी करनी है तो आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कर सकते हैं। साथ ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज आप वहाँ कर सकते हैं जैसे फ्रैक्चर फिक्सेशन, जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है लेकिन नस पे ज़्यादा दबाव नहीं है, आपको नस खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से आप मल्टीपल एक छोटे छोटे चीरों से आप स्क्रूज डालते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन से ही आप एक लंबी रॉड को आप एक छोटे से चीरे से उस सारे के सारे स्क्रूज में आप एडजस्ट कर सकते हो। एक और एप्लीकेशन मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का है काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी है, जिसको हम सीमेंट ऑगमेंटेशन बोलते हैं। इसका रोल ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स में है, जैसे ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, पेशेंट्स ओल्ड एज में फॉल्स भी फ्रीक्वेंट होती है, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इन केसेस का इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है वो नॉन ऑपरेटिव होता है, मीन्स मेडिकल मैनेजमेंट, रेस्ट, एक्सरसाइज, रेस्ट, मेडिसिन, बेल्ट। मेजॉरिटी ऑफ फ्रैक्चर्स ऐसे जुड़ जाते हैं, बस कुछ 5-10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हड्डी नॉन यूनियन में जाती है, वहाँ पे गैप पड़ जाता है, पेशेंट हिलता डुलता है तो बहुत सीवियर पेन होता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसे केसेस में आप अंडर लोकल एनेस्थीशिया एक छोटे से चीरे से, हार्डली 5 मिलीमीटर के चीरे से आप नीडल डाल के उसके अंदर सीमेंट डाल देते हो और सीमेंट डालने से वो एरिया स्टेबलाइज हो जाता है। बेसिकली आप फ्रैक्चर को आप स्टेबलाइज कर रहे हो, फ्रॉम द नेक्स्ट डे पेशेंट खड़ा होता है, चलता फिरता है, घूमता फिरता है। एक और एप्लीकेशन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का है फ्यूजन में। नॉर्मली हम जो फ्यूजन करते हैं वो हम फ्यूजन ओपन टेक्निक से करते हैं। ओपन टेक्निक्स में ये होता है कि चीरा काफ़ी बड़ा रहता है और मसल डिसेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। मिनिमली इन्वेजिव फ्यूजन में ये होता है कि आप एक साइड से तो आप स्क्रूज डाल देते हो दो छोटे छोटे चीरों से और दूसरी साइड से आप जो डिकम्प्रेशन करते हो वो बहुत ही ऑलमोस्ट 2 इंच इंसीजन से करते हो। इसका अगेन फ़ायदा है कि पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और आपका जो रिकवरी पीरियड है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। और द मोस्ट कॉमन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है वो है माइक्रोडिस्केक्टमी। स्लिप डिस्क बहुत कॉमन है, ज़्यादातर पेशेंट्स का बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। केवल 5% केसेस होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन केसेस में ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी माइक्रोडिस्केक्टमी होती है, जिसमें 1 इंच के चीरे से आप उस डिस्क को निकाल के नस को फ्री कर देते हैं और पेशेंट अगले दिन से खड़ा होके चलने फिरने लग जाता है। इसमें और एडवांसमेंट है ट्यूबुलर डिस्केक्टमी और एक और रीसेंट एडवांसमेंट है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में ये होता है कि आप सेंटर से ना जाके आप एकदम साइड से, आपके इस कमर के साइड से आप एक अंडर लोकल एनेस्थीशिया उस छोटा सा चीरा लगा के दूरबीन को आप सीधा अपनी रीढ़ की हड्डी के डिस्क तक आप डालते हो और आप मॉनिटर में देखते हुए जैसे हम लैप्रोस्कोपी करते हैं वो डिस्क को आप निकाल देते हो। इस सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये लोकल एनेस्थीशिया में होती है, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और अगर कहीं पे नस में कोई चोट, अगर आप नस को छेड़ते भी हो तो पेशेंट तुरंत बताता है कि मेरे पाँव में दर्द आ रहा है, तो इससे इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है।
लेकिन देखिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। आप इसलिए, और ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी आपके लिए काम करती है नहीं करती है वो आपका डॉक्टर आपको देख के, आपकी MRI को देख के डिसाइड कर सकता है। और अगर सही पेशेंट में सही टेक्निक से सही सर्जरी की जाए तो रिजल्ट्स आर वंडरफुल। थैंक यू।